ग्राम महलोई में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन साल 2011 में कर दिया गया था, लेकिन 9 साल बाद भी जिला शिक्षा विभाग यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक की व्यवस्था कराने में नाकाम रहा। हालांकि शिक्षकों की व्यवस्था की मांग को लेकर पहले भी कई मरतबा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते स्कूल में शिक्षकों की कमी की समस्या निरंतर बनी हुई है और इसी के चलते स्कूली विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। साथ ही शीघ्र व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में छात्रों और अभिभावकों के द्वारा स्कूल बंद किए जाने की बात भी कही है। ग्राम मोहल्ले के हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, उनका कहना है कि 8 साल पहले हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, केवल एक पद शिक्षित है। हमारे स्कूल में शिक्षक बहुत कमी है, इस कारण ऐसा करना पड़ता। कितने वर्षों से शिक्षकों का अभाव है? 2011 रायगढ़ अंतर्गत ग्राम महलोई में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन साल 2011 में तो कर दिया गया, लेकिन 9 साल बीत गए और जिला शिक्षा विभाग यहां पे एक शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर पाया। हालांकि शिक्षकों की व्यवस्था की मांग पहले भी कई बार की गई, लेकिन बावजूद 9 साल से यहां पर कोई शिक्षक है ही नहीं, बच्चे भगवान भरोसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। भूपेंद्र सिंह ज्यादा जानकारी के साथ स्वास्थ्य संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, 9 साल हो गए लेकिन शिक्षक की व्यवस्था करने में जिला प्रशासन नाकाम, इस नाकामी का पूरा ठीकरा किसको, सरकार के सर फोड़ा जाए या फिर पूरी तरह से जिला प्रशासन के सर फोड़ा जाए? इसमें देखा जाए तो जिला प्रशासन की ही पूरी गलती लगती है, क्योंकि कोई भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कभी भी यही नहीं बोलता कि किसी बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए। यहाँ के शिक्षा अधिकारी मनमानी से अपनी बात नहीं आ रहे, ऐसे कई मामले हैं जिसमें देखा गया है कि ध्यान ही नहीं दिया जाता। उन्होंने 6-7 बार जिला प्रशासन को, तहसील में, सब जगह जाके अपना ज्ञापन दिया और बोला, इसके पूर्व कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अब तक उनकी ध्यान नहीं। वजह क्या बताई जाती है? क्योंकि जिला प्रशासन को तो अपना पैसा खर्च करना नहीं है, इन तमाम चीजों के लिए एक मद का प्रावधान किया जाता है जो सरकार अपने बजट में कर देती है, तो यहाँ पे जिला प्रशासन को शिक्षक की व्यवस्था, चलो नहीं कर पा रहे हैं आप परमानेंट शिक्षक की व्यवस्था, तो वैकल्पिक तो की जा सकती थी, वो भी नहीं की, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जिला उद्योग की तरफ से हर स्कूलों में एक एक शिक्षक देते ही है जनरली, लेकिन उस पर भी इन्होंने पिछले कई साल से उद्योगों के द्वारा हमारे उद्योग नहीं चल रहे हैं करके उनके शिक्षक देना भी बंद कर दिए, जिससे और यहाँ की स्थिति दयनीय हो गई है। अधिकतर स्कूल और उसका खामियाजा किसी और को नहीं, देश का जो भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो आज बच्चे हैं कल जो देश का भविष्य बनेंगे, वो भुगत रहे हैं और कोई नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।